गुरविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बहुमत में आने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में शनिवार को विधायक दल की बैठक में सुखविंदर सुक्खू को नेता चुन लिया गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शपथ लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पहली कैबिनेट बैठक में जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करेंगे। पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। पहले लोग कहते थे कि कांग्रेस किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन आज हमने बीजेपी का रथ रोक दिया है। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अशुल रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समृद्ध निर्माण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।